आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमेशा यहां पर चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है। कभी निकाय चुनाव, कभी राज्यसभा सांसदी चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, तो कभी राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव। हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई चुनाव की जो गतिविधियाँ हैं वो सक्रिय रूप से चलती रहती हैं और चलती रहती है सरगर्मियाँ भी चुनाव को लेकर। अगर हम चर्चा करें इस समय के चुनावी सरगर्मियों की, तो गुजरात में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे, 8 को परिणाम आएगा। बात करें दिल्ली में, दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, लगातार उस पर सक्रियता बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, भाई उत्तर प्रदेश की बात करना भी बहुत अहम है, क्योंकि बिना उत्तर प्रदेश के आप देश की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर केंद्र की चाबी चाहिए तो उत्तर प्रदेश के रास्ते जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कल उपचुनाव हुआ गोला गोकर्णनाथ, यानी छोटी काशी, पूर्व में हैदराबाद खीरी के नाम से मशहूर, लखीमपुर के एक विधानसभा चुनाव हुआ। समाज पार्टी के विनय तिवारी और भारतीय जनता पार्टी से दिवंगत अरविंद गिरी, जो पूर्व विधायक थे यहाँ के, उनके पुत्र अमन गिरी के बीच सीधा मुकाबला, क्योंकि अन्य पार्टियों उम्मीदवार यहाँ पर उतारा ही नहीं था। और इसके साथ ही साथ अहम बात यहाँ ये है कि उम्मीदवार तो उतारा नहीं, चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा, क्योंकि मुस्लिम वर्ग, कुर्मी वर्ग, यादव वर्ग जो बहुतायत थी, समीकरण ये बता रहे थे ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि बीजेपी ने अपने सभी बड़े प्रचारकों को वहाँ भेजा, प्रचार हुआ, तो बीजेपी का एक बात तो समझ में आती है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को बहुत हल्का नहीं लेती है, हर एक एक सीट उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज जो चर्चा का विषय महत्वपूर्ण है इसलिए है क्योंकि अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी के पुरोधा, हम कहेंगे मुलायम सिंह यादव, उनका निधन हुआ। और निधन के चलते अब माना जा रहा है, चूंकि जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है कि कोई सीट अगर खाली हो जाती है तो उसको 6 महीने के अंदर हमको उस पर उपचुनाव कराने पड़ते हैं, तो मैनपुरी चुनाव के लिए भी चूंकि वहाँ से विधायक है, अब सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। कौन लड़ेगा, किसी सीट होगी, मैनपुर यहाँ पर चर्चा का विषय है। सुनने में आ रहा है, सूत्र बताते हैं, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को उतार सकती है, जो कि मुलायम सिंह यादव के पौत्र हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं, जो कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भतीजे हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाम डिंपल यादव के भी हमने सुना, और यहाँ पर नाम हमने ये भी जानकारी, सूत्र बताते हैं कि जब शिवपाल सिंह यादव से, प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव से बात की गई, तो उन्होंने भी कहा कि उनकी पार्टी निर्णय करेगी किसको कहाँ लड़ाना है। तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद वहाँ पर प्रसपा भी अपना प्रत्याशी उतार दे। चुनाव महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से जल्दी इसकी घोषणा भी हो जाएगी, जो संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, कई पार्टियाँ निकाय चुनाव साथ में लड़ेंगी, तो कई पार्टियों ने ये कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, जैसे हमारी पार्टी के भी ये सुनने में आया है। इसके अलावा सुभाषपा ने ऐलान किया है वो भी अकेले लड़ेंगे, और जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रसपा भी आने वाला निकाय चुनाव अकेले लड़ सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश की सरगर्मियों में रहा, वो है विक्रम सैनी की सदस्यता, जो कि रद्द कर दी गई। जयंत चौधरी, जो कि रालोट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लगातार पत्र के माध्यम से आगाह कर रहे थे, मांग की थी, क्योंकि अभी हाल में ही हेट स्पीच के मामले में आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी गई, उसको लेकर विपक्ष हमलावर रहा। और यहाँ पर विक्रम सैनी, जो कि खतौली से विधायक हैं, कवाल कांड जो कि 29 अगस्त 2013 को हुआ था, उसके चलते उन पर FIR थी, उसके चलते 11 अक्टूबर को फैसला आया था जिसमें उनको 2 साल की सजा और 10,000 का अर्थदंड का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि रद्द होने के बाद सदस्यता ये लीगल व्यू के लिए भेजा गया है कि दो साल रखेंगे या 2 साल से ज़्यादा के लिए कानून है। फिलहाल सदस्यता रद्द हो गई है और जल्दी फैसला आ जाएगा कि जो सीट है खतौली की वो रिक्त रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी। मैनपुर चर्चा विषय है, कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
अभी तो ये तो पॉलिटिकल मामले होंगे, तो ये तो बात की बात है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। चलिए जो आप लोगों को देखता है वही समझिए, आएगा जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा होगा। हम भी चाहते हैं हो जाए। अब चर्चा का विषय तो अहम है, क्योंकि यहाँ पर जो सियासी पारा है वो लगातार उत्तर प्रदेश में गर्म बना हुआ है। गर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ चलती रहती है, और निकाय चुनाव भी यहाँ पर अगर हम माने तो 24 के पहले का सेमीफाइनल माना जा सकता है। इसलिए अहम है क्योंकि अगर इसको हम सेमीफाइनल नहीं कहेंगे तो भी मन में एक विचार जरूर आएगा कि ये सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है। कहा इसलिए जा रहा है कि जब भी कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है उसका असर जो केंद्र की रियासत है वहाँ पर जरूर होता है, और उसी असर के चलते हमेशा उत्तर प्रदेश का रोल केंद्र की सत्ता में अहम माना जाता है। अगर इसको हम नहीं जानकारी करेंगे और अगर इसको नहीं महत्वपूर्ण मानेंगे तो ये निश्चित रूप से ये आपके लिए नुकसानदेह है। और जिस जन ने भी उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों को अहमियत नहीं दी है तो उनको यहाँ पर सियासी नुकसान भी हुआ है। अहमियत की बात तो अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश का कोई भी मुद्दा होता है वहाँ पर तो असुद्दीन ओवैसी भी बयान देने शुरू कर देते हैं, तो मुद्दा हमेशा यहाँ गर्म रहते हैं और चर्चा महत्वपूर्ण है। हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। यहाँ पर कंचन द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता सपा से तारिक भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा से इखलाक भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रतपाल सिंह सलूजा जी आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, और वेद प्रकाश मिश्रा रालोद पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल रहेगा वो इखलाक भाई से रहेगा। इखलाक भाई, मुद्दा ऐसा है, सवाल आपसे ही रहेगा, मैनपुरी चुनाव, अब सीट रिक्त हुई है तो चुनाव तो वहाँ हो गई होगा और सरगर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, और सरगर्मियाँ बताती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, और उम्मीद ये की सकती है कि शायद यहाँ पर सपा से भी तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है, सूत्र बता रहे हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। तो प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने भी बातों बातों में ये जरूर बता दिया है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो प्रत्याशी जरूर उतरेगा, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव भाई जी, सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने बयान दिया है जी कि हमारी पार्टी तय करेगी जी, तो बिल्कुल देखिए हमारी भी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, और जो लोहिया शब्द है इसको स्वर्गीय नेताजी ने दिया था हमारी पार्टी को जी। हम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा समाजवादी विचारधारा को आगे लेके चलते हैं जी, लोहिया जी की विचारधारा को लेके आगे चलते हैं, और अब नेताजी के विचारों को भी आगे लेके चल रहे हैं। देखिए रहा चुनाव लड़ने का विषय जी, तो अगर हमारी पार्टी का डेलीगेशन तय करेगा, हमारी राष्ट्र कार्यकारिणी तय करेगी जी कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को लड़ना चाहिए जी, तो उसके बाद आखिरी फैसला उनका होगा जी, क्योंकि हम सभी लोगों ने जी उनके ऊपर सब चीज सौंप दी है कि जो वो डिसीजन लेंगे जी हम वो पूरा करेंगे जी। अब आते हैं देखिए समाजवादी पार्टी पे जी, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब रहे जी, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कहाँ तक गई है ये आप सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं जी। बिल्कुल, स्वर्गीय नेताजी के ने कहा था कि इमरजेंसी के दौर में जी दिन में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब छुपे रहते थे और रात में गांव-गांव जाके प्रधान लोगों तक नेताजी की चिट्ठियां देते थे। अच्छा, तो मैं समझता हूँ संघर्षों में उनसे बड़ा नेता तो इस प्रदेश या देश में कोई नहीं होगा। अच्छा, अब ये तय करना, देखिए जिम्मेदारी क्या मिलेगी शिवपाल साहब को क्या नहीं मिलेगी, अब ये फैसला करना आदरणीय अखिलेश यादव साहब का काम है जी। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने तो हमेशा समाजवादी पार्टी को अपने घर परिवार की पार्टी माना जी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की पार्टी थी, उत्तर प्रदेश की एक एक गरीब अल्पसंख्यक पिछड़ों की पार्टी थी जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब और सभी लोग उसमें थे जी। और आने वाला वक्त, जिम्मेदारी मिलती है नहीं मिलती है, मगर अभी हम अपने दल को आगे लेके बढ़ रहे हैं जी, हमारा चुनाव निशान भी स्टूल अभी हम लोग को मिला है, अब निकाय चुनाव भी हम उस पर तैयारी कर रहे हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष की बैठक भी होने वाली है, आदित्य यादव साहब भी उसमें हैं, लगातार उनके नेतृत्व बढ़ रहे हैं, और कल हमारी एक बैठक भी है, इन्हीं सब चीजों को लेके बैठक है। देखिए शिवपाल सिंह यादव साहब कभी भाई पर मेरे बात एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, कहते हैं जब दुख होता है सुख होता है तो पुराने गिले शिकवे मिलाकर भी परिवार एक हो जाते हैं, पर यहाँ पर इतना भारी दुख रहा
इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर सैफी परिवार को हुआ, तो यहाँ पर जो मिलने की उम्मीद थी क्या लगता है वो छीन हो चुकी है? देखिए, ये जो दुख ऐसा दुख रहा जो मुझे लगता है कि आने वाले कई साल या सदियों में हम नहीं इस दुख से उभर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे नेता स्वर्गीय नेताजी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं, तो उनका दुख तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कभी भी नहीं उस दुख से उभर पाएंगे। और अब जो प्रमुख हैं, पहले तो नेताजी थे परिवार के और पार्टी के भी, अब जो परिवार के प्रमुख हैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हैं। जी, अब देखना, देखिए गौरव भाई, हमेशा होता है कि बड़ा तो हमेशा चाहता है कि परिवार एक रहे, सब एक रहे, काम छोटों का होता है। अच्छा, हमेशा आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने अखिलेश साहब को अपना बड़ा, पर आप तो हमेशा डेट देते रहे ना, पर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप तो हमेशा डेट देते चले आए कि हम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कितना इंतजार कराएंगे, घर अभी, अभी भी आपको लगता है कि कुछ उम्मीद रहेगी? देखिए, घर का बड़ा मुखिया कभी परिवार और पार्टी तोड़ने में नहीं रहता। अच्छा, आदरणीय, एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक जंगल में आग लगी थी, तो एक चिड़िया अपनी चोंच पे पानी लेके जा रही थी, तो कई जानवरों ने पूछा, चिड़िया तो चिड़िया कौन है? मैं बता रहा हूँ आपको, चिड़िया की बात नहीं है, वो पानी लेके जंगल में फेंक रही थी। अच्छा, कई लोग ने पूछा आग लगी है तुम उधर क्यों जा रहे हो, भाग जाओ, तो उसने जवाब दिया था कि जब इतिहास याद करा जाएगा तो मुझे आग लगाने नहीं, आग बुझाने में याद किया जाएगा। अच्छा, तो चिड़िया का जो मोटिव था वो एक छोटी चिड़िया नहीं, उसकी कोशिश देखिए, उनकी कोशिश देखिए। तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा चाहते थे कि पार्टी एक रहे, परिवार एक रहे। अच्छा, ठीक, कौन से लोग नहीं चाह रहे हैं ये तय करना आदरणीय अखिलेश यादव साहब। ठीक है, ठीक, कंचन जी से बात कर रहे हैं। कंचन जी, यानी कहानी सुनाई है, चिड़िया वाली कहानी सुना रही है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैंने बताया कि सुख दुख में तो परिवार एक हो जाते हैं, पर यहाँ पर उम्मीद फिलहाल कम नजर आ रही है। और मैनपुरी चूंकि अब शीत रिक्त हो गई है और जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया उसके चलते चुनाव तो वहाँ होना ही होना है, बीजेपी कैसे चुनाव को लेती है? और बीजेपी चूंकि हर चुनाव को बड़ा संजीदगी से लेती है, जिस तरह अभी गोला गोकर्णनाथ में भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ गए प्रचार के लिए, आप कैसे देखती हैं यहाँ पर कृष्पा सपा और अब भाजपा? जी देखिए गौरव जी, एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, हम लोगों ने नेता जी को खोया, बहुत बड़े व्यक्ति थे वो, और उन्होंने इस प्रकार से संभाला था, पार्टी को बनाया था, सींचा था, और सींचने के बाद बनाने के बाद अखिलेश को सौंपा था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अखिलेश के लिए, उनको वो कार्य नहीं करने पड़े जो कि अखिलेश यादव जी को करने चाहिए, या फिर जो एक मेहनत आदरणीय नेता जी ने की थी, बना बनाया मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, और बनाना ना पड़े ये भी बहुत बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन वही है कि जब कभी बहुत बड़ा जब मिल जाता है तो उसको संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत लोगों से संभाला नहीं जाता। और एक बात जो कि अभी बात चल रही थी, मैं चाचा जी की बात करूँ, तो जो एक पेड़ था, वृक्ष था, जिसकी सारी शाखाएं थी, डालियां थी, वो जब वृक्ष ही नहीं रहा तो मुझे नहीं लगता कि अब जब पहले नहीं जुड़ पाए, पहले जब एकता नहीं हो पाई, तो अब एकता की संभावना मेरे हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम है। तो बिखराव वैसे भी बहुत ज्यादा हो गया है, ऑलरेडी पहले से भी था, और अब मैं उन चीजों को समझती भी नहीं हूँ। और दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए मैनपुरी सीट के लिए, तो वही है कि जहाँ पर अखिलेश यादव जी को चाहा जाता है, या फिर उनके पिताजी को चाहा जाता है, जब कोई बड़ा, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, राम के जगह पर अगर उनके बेटे को खड़ा किया जाता है तो उनकी उपलब्धियां कम होती हैं, इसलिए बहुत जल्दी वो पनप नहीं पाते। अच्छा, तो यही बात है कि जहाँ पर नेता जी को चुना गया है ना, वहां पर किसी और को चुनना, क्योंकि व्यक्ति जब किसी और को चुनता है किसी और की वजह, तो वो पूरे व्यक्तित्व को, पूरे उस गुणों को, पूरी प्रभुत्वता को, और जो एक तेज होता है, उन सारी चीजों को वो व्यक्ति में चाहता है, लेकिन वही चीजें नहीं मिलती तो व्यक्ति जो वोटर है वो बिखर जाते हैं, बिखराव होता है, तो दूसरी जगह दूसरी राह चुनने लगते हैं। तो यही बिल्कुल बात है कि अब मैनपुरी में अब जो उनके मेन नेता थे वो नहीं रहे, अब ये जनता का डिसीजन है कि वो किसकी तरफ जाती है, वो विकास की तरफ जाएगी या फिर से अंधकार की तरफ जाएगी, या फिर ये तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि जो उनकी एक वृक्ष और वंश परंपरा है उसकी तरफ मैनपुरी के लोग जाएंगे, अब बिल्कुल नहीं जाएंगे। और इसके बदौलत आप जानते हैं कि पीछे से भारतीय जनता पार्टी को चुना जाएगा, क्योंकि विकास में हो, चाहे प्रयास में हो, चाहे जिस प्रकार से सहयोग में हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहती है लोगों के लिए, तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का होना है। ठीक, ठीक, गौरव जी,
तारिक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तारिक भाई यहाँ पर कैसी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, चुनाव भाई, हालांकि चुनाव तो वहाँ होने ही होना है, सीट तो रिक्त हो ही गई है और तमाम तरह की चर्चाएं भी इस समय शुरू हो गई हैं। सुनने में आ रहा है, सूत्र बताते हैं कि तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़ेंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक भी हो सकते हैं सपा प्रसपा, हालांकि ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और उम्मीद ये भी की जा रही है प्रसपा से भी कोई प्रत्याशी इस चुनाव में उतर सकता है। मैनपुर चुनाव है, कैसे देखते हैं? देखिए इसमें सबसे अजीब बात ये है जी कि एक तो भाजपा और कुछ लोग और जी बहुत ज्यादा आवाज बढ़ा दी कैसे जी? नहीं कैसे एक तो भाजपा और दूसरे कुछ लोग जी कि कैसे शिवपाल साहब कुछ कहें जी तुरंत सब लोग अलग हो जाएं। कंचन जी को आवाज सुनाई दे रही तारिक भाई की जी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे लोग ऐसा चाहते हैं जी कि बड़ी मुश्किल से जी परिवार नेताजी के निधन के बाद एक हुआ है वो अच्छा। जल्दी से अलग हो जाए, कोई विवाद हो जाए, अच्छा। समझिएगा मेरी गौरव भाई जी। लेकिन लेकिन जी नेताजी के सिद्धांत जी शिवपाल साहब में भी है और अखिलेश यादव साहब में भी है जी, ठीक है। उनके न रहने पर दोनों लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बैठ कर उसको हल करें और मैं 100% गारंटी देता हूँ इस चीज गौरव भाई जी कि अब ये चीज जी ये जो चाहते हैं कि हो जाए लड़ाई झगड़ा और कब नहीं होता है, 99 में कल्याण सिंह पार्टी छोड़ के गए नहीं गए गौरव भाई जी, 2009 में फिर गए जी, वापस आए जी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने वाला बहुत सीनियर लीडर जी। अच्छा तो हमारे यहाँ अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो वो अजूबा हो जाता है जी, वो रॉकेट साइंस हो जाती है जी, वो पार्टी खत्म होने लगती है जी। अरे भाई सब जगह होता रहता है गौरव भाई जी, एक पर एक घर में चार लोग रहते हैं, हम अगर बीजेपी का गिनाने लगेंगे कितने लोग नाराज हुए जी, तो एक पन्ना पूरा भर जाएगा जी, वापस भी आएगा। अरे भाई विपक्ष में आप तो, आपके यहाँ पर कोई बात होगी सरगर्मी तो बनेगी बनेगी भाई। अरे भाई गौरव भाई हम कह रहे हैं ये सब चीजें होती रहती है। अच्छा अब आने वाला समय भविष्य देखना चाहिए। अच्छा आने वाले समय में, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग घड़ियाली आंसू बहाने गए थे। अच्छा अब वहाँ पर कह रहे हैं कि सीट पे हम जल्दी से आके कर। अरे भाई घड़ियाली आंसू क्यों बोल रहे हैं भैया, श्रद्धांजलि देना घड़ियाली आंसू बहाना थोड़ी ना होता है। नेताजी के लिए सम्मान में मतलब ये 6 महीने वहाँ पर बड़ा सम्मान करते नेताजी के। अच्छा समाजवादी पार्टी और शिवपाल साहब रण से नहीं डरते, आप रण में आइए वहाँ भी हरा देंगे रण में। अच्छा भाई इलेक्शन की बात करते हैं, हम तो गोरखपुर हरा आए थे मुख्यमंत्री का घर जी, नहीं हरा के आए थे, हरा के आए थे जी बिल्कुल। हर जीत सिक्के के सिर्फ दो पहलू हैं, अच्छा। कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव जी, ठीक है। तो ये जो चाहते ये है कि तो आप तो आप तो आप जोड़ लीजिए, आप चाहते हैं कि जुड़ जाए? बिल्कुल जुड़ेगा गौरव भाई, देखिए जी इस बार आने वाले टाइम में आप देखिएगा जी जितनी भी दिक्कतें थी वो खत्म होंगी जी, दोनों लोग साथ आएंगे। अच्छा नेताजी भी यही, बयानबाजी तो उल्टी आ रही ना मेरे भाई, तारिक भाई बयानबाजी तो एक उनके निधन के कुछ समय बाद एक बयान आया था उसमें प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने ये कहा था कि जिनको सम्मान नहीं मिला उनको साथ लेकर चलेंगे, अभी बयान किसके लिए आप बता दीजिए मुझे। वो बात ठीक है, मैं अभी की बात बता रहा हूं, जो अभी की बात बता रहा हूं, इखलाक भाई को भी पता हो ये बात। अच्छा कि बैठ के मसले तय हो जाएंगे। अच्छा और ये जो चाहते ये और काहे के लिए गए थे वहां पर नेताजी के सम्मान में न लड़े चुनाव, सब लोग तो गए थे। अच्छा धरती पुत्र, अच्छा हम लोगों को तो बड़ा दर्द है। अच्छा कुछ ही दिन बाद होने वाला है ना एक चुनाव जी, क्या इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सम्मान में सीट छोड़ी गई है? पहली बार छोड़ी गई है, सम्मान में छोड़ी गई है, समीकरणों में छोड़ी गई है, चाहे गोला गोकर्णनाथ में छोड़ी गई थी। तो नेताजी का वैसे तो बहुत बहुत ज्यादा सम्मान था, आप लोगों ने नेताजी जब जिंदा थे तो कोई कमी नहीं छोड़ी, उनके देहांत के बाद भी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने विवादित टिप्पणी की। अच्छा श्रावस्ती में बीजेपी के कार्यकर्ता ने विवादित टिप्पणी की नेताजी के ऊपर, मुकदमा करना पड़ा हम लोगों को जाकर, मेरे बगल का जिला है। अच्छा ये लोग सम्मान करना चाहते हैं, घड़ियालू आंसू बहाने गए थे, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा घड़ियाली आंसू बहाने गए थे बड़ा सम्मान था। अच्छा कुछ ही दिन बाद फिर से मेन वाला चुनाव है ना गौरव भाई, आम चुनाव है कि नहीं है? अच्छा आम चुनाव होने वाला है साल भर के अंदर? जी बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। आप बड़ा सम्मान था, सब लोग गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत धरती पुत्र खो दिया, इतना सम्मान था छोड़। अरे भाई पूर्व रक्षा मंत्री गए थे वो, उनको सम्मान देना तो सबकी कर्तव्य है भाई, सम्मान उनका सम्मान। आपको लगता है योग्य नहीं थे क्या वो? योग्य थे भाई। देखिए गौरव भाई नेताजी से लोग प्यार करते थे जी, हम लोग उनको मानते थे, उनका स्नेह मिलता था, उनसे प्यार करते थे जी।
वो सम्मान जिंदा रखने के लिए, जो उनकी विचारधारा थी उसको जिंदा रखने के लिए अखिलेश यादव साहब और शिवपाल यादव साहब पुरानी बातें भुलाकर जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। इसकी इसकी मैं उन्होंने कहा नहीं जी कि जो नेताजी का सपना था, शिवपाल साहब ने ये भी कहा जी कि जो नेताजी का सपना था समाजवादी की सरकार बनाना, हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा। पूछिए एकलाख भाई से, कहा नहीं कहा? अच्छा, तो ये भी तो कहा है कि पार्टी तय करेगी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। नहीं, पार्टी बिल्कुल उनकी अपनी पार्टी, सीधा मना कर देना कि सीधा मना कर दे कि नहीं चुनाव लड़ेंगे। पार्टियों का मर्जर नहीं होता क्या? जनता, अरे बिल्कुल मर्जर होता है, ये सीटी के मर्जर करेंगे क्या? जनता पार्टी बनी, जनसंघ और तमाम पार्टियां मिलके विलय नहीं होता क्या? अब देख लो भाई, बताएंगे एक सीट लेके अगर ये मर्जर करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, ये नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन जो नेताजी क्या चाहते थे, नेताजी जब तक थे तो वो यही चाहते थे कि दोनों लोग एक हो जाएं। आप मानते ये बात या नहीं मानते? बिल्कुल भाई, बिल्कुल चाहेंगे भाई, परिवार के मुखिया रहे हैं जी, मुखिया रहे हैं, उनको शिवपाल साहब के भी जो कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भी कहा, तारिक भाई कंट्रीब्यूशन शिवपाल साहब का कम नहीं रहा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ अब उन चीजों को समझा जाएगा। अच्छा, वो चीजें बात हो, एक सवाल रहेगा उसके बाद आप इसका जवाब आप दीजिएगा, इससे छोटा सवाल रहेगा, मुख्य मुलायम जी के रहते ये संभव नहीं हो पाया, उनके जाने के बाद क्या ये संभव है? बहुत सी चीजें किस वक्त पर कहाँ हो जाए आप जान नहीं पाते गौरव भाई। अच्छा, जो चीजें तब नहीं संभव थी जी वो जरूर अब संभव होंगी। अच्छा, ठीक है जी, और ऐसे आसार भी दिख रहे हैं, भले वहाँ से कौन चुनाव लड़ता है। अच्छा, ये भी वो तय करेंगे जी। मुझे लगता है जी कि वो एक अब जो सीनियर आदमी है परिवार में भी और पार्टी में, उनकी वापसी के बाद जी उनको वो जगह देनी चाहिए जी, उनको वो जगह देनी चाहिए, और बैठक बातें भी चल रही है जी कि उनको वो जगह दी जाए जी, और जो उनका जो भी बीच में दिक्कतें हैं जी उनको खत्म कर कर एक नई शुरुआत कीजिए, बुराई क्या है उसमें जी। वो भी विचारधारा दोनों लोगों की एक ही है जी, दोनों लोग एक ही परिवार से आते हैं जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है गौरव भाई, ये होगा आप आने वाले टाइम में, मुझे तो पूरा यकीन। अच्छा, होगा, चलिए कि ऐसा होगा। अब तो एक लाख भाई बताएंगे होगा कि नहीं होगा। खैर ठीक है, कंचन जी कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं प्रकाश जी को लेता हूँ। कंचन जी कुछ कहना चाह रही थी जी। गौरव जी, अभी मैंने सुना तारिक भाई को सुना जी, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता गए श्रद्धांजलि देने के लिए जी, वो सब घड़ियाली तीन चार बार बोला उन्होंने ये बात जी। हाँ हाँ, पर उनको शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि संस्कृति भी एक कोई चीज होती है ना, सभ्यता भी और संस्कार भी जी, तो वो कहा उनकी पार्टी में ये संस्कार नहीं होंगे, उनकी पार्टी में ये सभ्यता नहीं होगी। अगर अच्छा, सभ्यता होती तो संस्कृति होती तो अपनी बहू को नहीं जाने देते, अपने हाँ चाचा जी को नहीं जाने देते, अपने लोगों को अलग नहीं होने देते, सभ्यता और संस्कार में ही आता है। अगर वो चीज में बिल्कुल भी मैं कहूंगी कि उन लोगों में से मैं नहीं सोच सकती, तो तारिक भाई वहीं से आते हैं तो तारिक जी कहेंगे कि ये घड़ियाली आंसू शायद होता ना, कहते हैं ना हमारे यहाँ पर जो जो जैसा होता है वो सामने से वैसा दिखता है सामने वाले को, लेकिन हम लोग जो मानते हैं ना वो एक व्यक्ति नीति भी होती है, एक मानव नीति भी होती है, राजनीति अलग बात है, मानव नीति अलग बात है, हमारी संस्कृति में आता है कि हाँ वो अपने लेवल पे व्यक्ति बहुत अच्छे थे, नेता बहुत अच्छे थे, तो वो अंतिम बार विदाई दे रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं जाना था? राजनीति अलग बातें है, दुश्मनी वाली चीजें नहीं है, हमें वो हमारे दुश्मन नहीं है, अखिलेश हमारे दुश्मन नहीं है, ये बात समझने जैसी है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बहुत अच्छे है, तो हो सकता है कि तारिक भाई कहें कि सपा वाले लोग ऐसा करते हो या आगे ऐसी कोई दुर्घटना घटे तो सपा वाले करें, पता नहीं, तो तारिक भाई ही जानते होंगे, लेकिन हमें लगता है कि संस्कार में आता है, सुनीति में आता है, आदर्श में आता है, ये समाज नीति में आता है, जी, सारी नीतियों में शामिल होता है, जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बाकी अभी ये बात कर रहे थे कि चाचा जी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और देखिए अभी तो जो चाचा जी है उनका जो व्यक्तित्व है वो एक मिलनसार व्यक्तित्व बहुत अच्छे रहता है वो, लेकिन अभी तक जो उनकी मजबूरी रही ना वो उनके बड़े भाई। अच्छा, शायद मुझे लगता है कि वो संस्कृति और संस्कार और ये अपने परिवार की चीजों को समझते हैं, इसलिए वो बेचारे बन के एक सीट जिसमें उनका प्रभुत्व था उस प्रभुत्व वाली सीट पे ही उनको बैठा दिया, एक सीट में दे दिया। हाँ, मिल सकते हैं वो, अखिलेश जी तो यही चाहेंगे ना कि वो जैसे अभी थे वैसे ही बन करके मिले आए, तो फिर हम उनको रख लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब चाचा जी इस तरीके की भावनाओं को और इन चीजों को ये जो
क्या कहते हैं उसको, दुर्भाव वाली भावना है, इनको नहीं समझेंगे। पहले भी समझते थे और अभी भी समझते हैं, और मुझे लगता है कि उसे थोड़ा सा उन्हें दूर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब लोग अपना ना समझे ना तो फिर वहां पर ग्लानि उपलब्ध होती है, ग्लानि जब आ जाती है ना जीवन में तो उससे कभी बचते नहीं है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी उनका ख्याल है, वो हमारे विचारों में नहीं आता, वो हमारी शैली में भी नहीं आता। ठीक है, ठीक है। वेद प्रकाश जी, जैन चौधरी का पत्र वायरल हुआ और पत्र लिखा, उसके बाद यहाँ पर जो विक्रम सैनी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि अभी लीगल व्यू के लिए भेजा गया है कि सीट रिक्त की जाएगी कि नहीं की जाएगी। हेड स्पीच मामले में आजम खां का सदस्यता रद्द हुई थी, इसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर था भारतीय जनता पार्टी पर, आज पर भी एक फैसला आया है। इसके अलावा निकाय चुनाव भी है और मैनपुरी में जिस तरह से अभी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्या राय रखती है रालोर इस सदस्य रद्द होने पर और साथ ही साथ निकाय चुनाव पर? देखिए गौरव जी, जो सदस्यता माननीय जयंत चौधरी जी के पत्र के बाद रद्द की गई जी, ये सदस्यता तो पहले ही रद्द की जानी चाहिए थी। अच्छा, क्योंकि वो तो कानून है। अच्छा, और उस नियम के तहत जी सदस्यता रद्द होनी थी जी, उसमें कोई लेना देना नहीं था, बहुत सीधा सीधा सपाट आदेश है उसका जी कि 2 साल की सजा जी, अर्थदंड जी, अगर किसी सदस्य को इन इन मामलों में होता है जी, तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी जी, नहीं किया गया जी। माननीय जयंत चौधरी जी ने पत्र लिख करके आगाह किया जी, और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उस पर कार्रवाई की, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो नीत है या नियत है जी, ये पक्ष और विपक्ष के लिए जी भिन्न क्यों है? इसमें समानता दिखनी चाहिए। अच्छा, चाहे पक्ष का व्यक्ति हो अपराधी और चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो अपराधी। इसी ओर माननीय जयंत चौधरी जी ने पत्र लिख करके माननीय अध्यक्ष महोदय का जी ध्यान आकर्षण किया और उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए काम हो तो गया, आपके दिक्कत है, ये कार्रवाई की पहले हो जानी चाहिए थी। अच्छा, मैंने तो उनको साधुवाद भी दिया, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। अच्छा, कि कम से कम हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हमारे हैं उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए और ये उन्होंने कार्रवाई की जी। रही बात नगर निकाय चुनाव की जी, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है जी, हम दोनों लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे जी, इसके ऊपर हमारी बैठकें चल रही हैं जी और हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वो रूपरेखा तय की जा रही है कि कहां पर वो चुनाव लड़ेंगे, कहां पर हम चुनाव लड़ेंगे, जो भी होगा समय आने पर उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और मीडिया के माध्यम से सबको देंगे। ठीक, अब आप मैनपुरी सीट की बात है जी, तो आदरणीय जो दिवंगत हमारे पुरोधा थे समाजवादी पार्टी के जी, वो नहीं रहे, बहुत ही दुखद है जी। आज उस सीट पे चुनाव होने जा रहा है या भविष्य में होगा जी, बिल्कुल। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और परिवारों में वाद विवाद और मसले तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका निस्तारण होता रहता है। अच्छा, इसमें हम जी समाजवादी पार्टी के साथ बैठ करके अच्छा जो नीत रीत होगी अच्छा उसके ऊपर निर्णय लेंगे। तो यहाँ क्या लगता है, जो ये विवाद चल रहा है, जो मतभेद चल रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है, इसकी कारण क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि ये निहायत घरेलू मसला है। अच्छा, इसको राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास किया जाता है ये उचित नहीं है। अच्छा, परिवारों में विवाद होते हैं, हम भी आप सब परिवार वाले हैं और परिवारों में विवाद होते हैं। अब चूंकि इस तरीके का परिवार जिसकी पूरी भागीदारी प्रदेश की राजनीति में हो, देश की राजनीति में दखल हो, तो स्वाभाविक है अगर कोई विवाद या कोई बात आती है तो वो चर्चा का विषय बनेगी। लेकिन हमें ये विश्वास है कि आने वाले समय में मेल बैठ करके इन सब बिंदुओं का निस्तारण होगा। आप तैयार हो जाते क्या? किस बात? आपको अगर एक सीट मिलती गठबंधन में तो आप जुड़ जाते? देखिए ऐसा है कि अगर गठबंधन में निर्णय के आधार पर ये हमको सीट मिलेगी अच्छा तो हम क्यों नहीं इस पर तैयार होंगे? एक सीट तैयार हो जाएंगे सीट पर। आप बताइए कि इस सीट पर हमारे तैयार होने का औचित्य इसलिए कोई नहीं बनता क्योंकि नेताजी की ये सीट थी और इस नहीं, पर मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना प्रसपा और
जो उनका घरेलू मामला है सपा का, तो मैंने कहा अगर आपको एक सीट दी जाती तो ये अपमान समझते या सम्मान समझते? देखिए एक सीट की बात नहीं है जी, अपमान और सम्मान राजनीतिक रूप पर देखा जाता है। आप गठबंधन करते हैं? हाँ या ना बताइए। आप किससे? सपा से। आप स्पष्ट करें कि क्या किस बात पे गठबंधन हम करते हैं। मेरा कहना यह है जो आप प्रसपा सपा की बात कर रहे हैं कि घरेलू मामला है, अगर वहां पर एक सीट आपको दी जाती तो वहां मतभेद उजागर होते कि नहीं होते? देखिए क्या एक सीट लाए योग्य है? देखिए जी, जहां तक यह विषय है जी, ये उन दोनों लोगों का आंतरिक मामला। अच्छा, है इस विषय पर किसी भी किस्म की टिप्पणी करना हमारे लिए न्याय संगत नहीं है और न ही उचित है। ठीक है, देखिये वो बहुत बड़े नेता हैं जी, आदरणीय शिवपाल जी जी और अखिलेश जी का उनका अपना ब्लड रिलेशन है, तो वो दो लोग बैठ करके जो निर्णय लेंगे वही निर्णय ठीक है। इस पर हमारी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है, जो वो निर्णय लेंगे उस निर्णय में हम उनके साथ। ठीक ठीक है, ठीक ठीक है भाई, अब एक भाई जवाब लूंगा इस बात का। प्रतपाल जी तैयारी की चल रही भाई आप लोगों की? गंदगी हटाओ झाड़ू लगाओ यात्रा आपकी चल रही है इस समय, और गुजरात चुनाव की तैयारी भी पूरी चल रही है, एमसीडी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रहने वाली है भाई, क्योंकि 22 में से सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं आई, हालांकि जो है 17 में कुछ परिणाम अच्छे आए थे, सकारात्मक आए थे आपके पक्ष में, 22 को कैसे देखते भाई? बिल्कुल, पंचायत चुनाव जो पीछे निकला उसमें भी आम आदमी पार्टी को स्थान मिला उत्तर प्रदेश के भीतर, गौरव श्रीवास्तव जी जी। आज का विषय जो है वो नगर निगम, चूंकि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और ये एकदम सदी बात है कि अगर देश के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे चर्चा ना हो वो भी सही नहीं है, न्याय संगत ही होगा जी। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है जी, आम आदमी पार्टी झाड़ू चढ़ाओ जी और जो यहाँ वहाँ कचरा पड़ा उसको भगाओ वाली जो लोगों को जागरूक करने की अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, लगातार बढ़ा रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हम सभी निगमों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी जी, सभी मेयर पदों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी जी, नगर जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी जी। देखिए कोई भी पार्टी चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो जी, उसका दायित्व यही है कि वो अपनी जो नीति है जी, जो उसकी विचारधारा उसको लेके वो जनता के बीच में जाए। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी उसी तरह करेगी, जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के काम है, पंजाब के काम है जी, जो हम आज 22 राज्यों में पूरे देश के भीतर किसी न किसी पद पे हम काबिज है, आम आदमी पार्टी का एक सदस्य वहां पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है, वही हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे जी। उत्तर प्रदेश में भी हम नगर निगम का चुनाव बहुत मजबूती से साथ लड़ेंगे। कौन एजेंडा लेके जाएंगे भाई? पुराना एजेंडा तो फेल हो गया था, इस बार कौन एजेंडा बनाने वाले हैं प्रतपाल भाई? नहीं, एजेंडा तो हमारा वही रहेगा। अच्छा, चाहे हम दिल्ली का चुनाव 3 बार लड़े, हमने एजेंडा चेंज नहीं किया, मुक्ति के रहेंगे, मुक्ति का ही है, मुसलमान करती रह गई जी। प्रवेश वर्मा जी कहते रह गए कि वहाँ की हिंदुओं की महिलाओं को, बच्चियों को, बहनों को घसीट घसीट के साथ उनके साथ दुष्कर्म होगा। अच्छा, देश के गृह मंत्री एक कंडक्टर की भांति शाहीन बाग करते रहे, मगर वहाँ की दिल्ली की जनता ने कहा चल भाग। अच्छा, उसके बाद पंजाब में भी हमको मौका मिला, पंजाब में भी हम बहुत भरपूर बहुमत के साथ आए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश जो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, क्या बात, वहां सिंगरौली से हमारी मेयर जीत के आती है जी। गुजरात के भीतर में दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी उभर के आती है, जो ये दंश है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा नंबर कौन डिसाइड किया भाई? अब ये भाई दूसरा नंबर कैसे, ये कैसे दूसरा नंबर आपने बताया है ना? अच्छा, आंकड़े बता रहे हैं। नगर निगम का चुनाव भी निकला 2020 का जी, उसमें 27 सीटों के साथ हम सूरत में भारतीय जनता पार्टी की जो छाती के ऊपर हम लोगों ने पैर रख के वहां प्राप्त किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारा मेयर वहां जीता है, जहां पे मामा 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 चला करती है भारतीय जनता पार्टी का। तो आप मानते हैं कि अब कांग्रेस नंबर तीसरे पे आ गई है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है, तो आपके मुताबिक कांग्रेस नंबर 3 पे आ गई है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है? देखिए कांग्रेस तो वोट कटवा पार्टी। अच्छा, वोट कटवा पार्टी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को विधायक की जरूरत पड़ती है, सभासद की जरूरत पड़ती है, सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है जी, वो कांग्रेस जो है वो दलाली करके अपने विधायक वहां भेज देती है। अच्छा, देश की जनता समझ गई है। अच्छा, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। अच्छा, ये सीधी साफ बात आज देश के अंदर लोगों को समझ में आने लगी है कि अगर आप कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ है जी,
नरेंद्र मोदी जी का कोई तोड़ है वो जवाब देने वाला है तो वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, हर जगह टक्कर दे रही है। इसलिए आज हमारे पीछे ईडी और सीबीआई पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया गया है। कंचन जी को सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सब चीजों से नहीं डरी कि लगातार अपने काम पे लगे। कृपाल जी, हमारा मिशन वही रहेगा जी, कंचन टारगेट भी वही रहेगा जो हमारा दिल्ली का वही। कंचन जी को सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, कंचन निवेदी भाजपा प्रवक्ता जी, बिल्कुल बहन हमारी पूछे। एक्यूआई दिल्ली का 600 से पार जा रहा है जी, आपको लगता है कि जहां पर हवा पानी शराब शिक्षा सब करप्ट कर दिया हो आपने जी, सब तरीके से आपने हमासान मचा के रखा हो, जहां व्यक्ति सांस लेने लायक ना बचा जी, हो जी, आपको उत्तर प्रदेश में कोई हाथ भी रखने देगा जी, गलतफहमी में है आप। और एक बात याद रखिएगा, पहले दिल्ली का हवा पानी शराब शिक्षा स्वच्छ करने पर चाहिए जी, थोड़ा सा काम कर लीजिए, क्योंकि केजरीवाल जी ने जितने भी वादे किए हैं ना जी, सब में फेल हो गए हैं। कहा था यमुना साफ कर देंगे, कितनी यमुना साफ हुई? 1% भी, 25% होती ना तो भी अच्छा लगता कि कुछ काम किया। अगर उन्होंने शिक्षा में कोई काम किया होता तो उनके मंत्री इस तरीके से कटघरे में खड़े नहीं होते। अच्छा। अगर उन्होंने पहले चिल्लाते थे, 2018 का बयान है उनका जी, कि पराली की वजह से पंजाब के किसानों की वजह से दिल्ली प्रदूषण का शिकार बनती है जी। और अब पूरा घमासान मचाया हुआ है, दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग जी, समझते हैं इस बात को? स्कूल बंद हो चुके हैं जी, जहां सांस लेने जैसा ना रहा हो वहां आपको लगता है केजरीवाल जी की धोखेबाज बातों को कोई आएगा? अब एक काम आपने पूरा नहीं कर पाया, एक वादा आपने नहीं निभा पाया, आप और साफ देख रहे हैं जो झूठे लोग हैं, जो अपने लोगों को नहीं बचा पाए। मैं जवाब दे दूं, इन्होंने एक बार कर लिया, अभी नहीं, अभी पहले सवाल है, लंबा सवाल है भाई, लंबा सवाल है, ले लीजिए। पहले इन्होंने कहा वही है, घूमता फिरता वही, ये प्रदूषण के आसपास आ जा रही है। केजरीवाल जी का पूरे देश के अंदर 10 शहर ऐसे हैं जहां पे प्रदूषण का असर बड़ा हुआ है, उसमें 4 शहर दिल्ली से आते हैं, 6 शहर उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, ऐसे जो शहर है, जो 6 शहर है वो उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। परिणाम क्या हुआ? मैडम कंचन जी को इस बात की जानकारी नहीं है, ये जो 10 शहर प्रदेश के हैं उसमें से 6 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। जवाब दीजिए। और प्रदूषण जो आता है वो गाजियाबाद से आता है, नोएडा से आता है, पानीपत से आता है, सोनीपत से आता है जी, ये इस पे भी नियंत्रण करे। और ये मामला खाली दिल्ली का नहीं है, पूरे देश का मामला है। राजनीति नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहिए, तो दिल्ली से जो लगे हुए राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य एक साथ बैठ कर, ये समझिए राष्ट्रीय आपदा है, ये खाली दिल्ली में प्रदूषण कंचन जी नहीं है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के 6 राज्य भी प्रदूषित है। अच्छा, पहला थोड़ा जानकारी प्राप्त करके बात किया कीजिए। और प्रदूषण, अरे मामला दिल्ली का चल रहा है भाई, 601 दिल्ली का दिख रहा है हमको, राष्ट्रीय आपदा है, मध्य प्रदेश का नहीं दिख रहा हमको, मध्य प्रदेश का नहीं दिख रहा है, वो कलकत्ता का नहीं दिख रहा है, कलकत्ता में 100 से नीचे है प्रदूषण के कारण। श्रीवास्तव जी भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, कंचन जी सांस नहीं ले पा रही है, मैं लखनऊ की राजधानी में बैठा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, 6 राज्य जो गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, ये राज्य जो है, ये राज्य कह रहा हूँ जो शहर है, ये उत्तर प्रदेश में आते हैं, इसको भी दूषित होने से बचाइए। अच्छा। और दिल्ली अच्छा, की सरकार ने शिक्षा के ऊपर अगर काम न किया होता तो न्यूयॉर्क स्टैम्प पे फ्रंट पेज पे दिल्ली का शिक्षा मॉडल नहीं आता। और दूसरे देश की राष्ट्रपति की पत्नी अगर देश में आती है तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात का स्कूल दिखाती, उत्तर प्रदेश का स्कूल दिखाती, दिल्ली का स्कूल नहीं दिखाती। अरे समझ में नहीं आता है, देश ने देखा गौरव जी,
कि गुजरात के अंदर मतलब जो 140 पोते इनकी बेवकूफी नालायकी के कारण गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के कारण भ्रष्टाचार के कारण 140 जो मौतें हुई हैं। अरे ये बताइए, ये बताइए तीसरी बार सरकार बनाई है तो अपना साफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हो रहा होता है जी, वहाँ का वाटर कूलर चेंज हो रहा होता है। अच्छा, मरीज बेचारे आराम कर रहे हैं, उनको उठाओ ना, क्योंकि गद्दे बदले जाते हैं, उनके पलंग बदले जाते हैं। जी, देश ने देखा कि स्वास्थ्य मॉडल प्रिंसिपल भाई, प्रिंसिपल भाई समय कम है, उनके जवाब दे दीजिए, कितना घटिया है प्रिंसिपल भाई। उत्तर प्रदेश ठीक है, प्रिंसिपल भाई, प्रिंसिपल भाई जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब। 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं, प्रिंसिपल भाई जवाब दे दीजिए। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। जी आप मैडम थोड़ा जानकारी प्राप्त करके आया कीजिए, उत्तर प्रदेश में बदतर हालात है, फॉगिंग आप नहीं कर रहे, डेंगू से रोज मौतें हो रही है। उत्तर प्रिंसिपल जी, प्रिंसिपल जी, प्रिंसिपल जी, प्रिंसिपल जी सुन लीजिए, कंचन जी कह रही है 600 AQI पे लेवल का जो हुआ है उसका जवाब मांग रही, जवाब दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते, बताइए। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ गौरव जी, जी ये राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है, हवा चलेगी तो खाली दिल्ली में नहीं रहेगी, चलो वो उत्तर प्रदेश जी 2018 का बयान याद है, 10 शहर है उसमें, यानी आप यमुना साहब ने कहा राष्ट्रीय आपदा है, सोनीपत में भी पराली चल रही है, राष्ट्रीय आपदा है, नोएडा में भी, 2018 में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेड लाइट ऑफ इंडियन लॉ की बात करते हैं तो इनके जो एंटी है वो फाइल को दबा देते हैं, कहते नहीं इसको हम नहीं होने देंगे। अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पटाखे हम जलाने नहीं देंगे तो ये कह रहे हैं दिवाली में पटाखे नहीं जलाने दे रहे, तो दिल्ली से इनको कुछ लेना देना नहीं, जबकि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में ही रहते हैं, और दिल्ली का स्वास्थ्य खाली केजरीवाल को देख के नहीं आएगा, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दूषित होंगे, हम भी दूषित होंगे, आप भी दूषित होंगे। ठीक है, इखलाक भाई, यहाँ पर जो आप चर्चा की गई है, यहाँ पर जो बातें की गई है, ये भी बताया गया है कि किस तरह यहाँ पर, जिस तरह रालोट के प्रवक्ता ने कहा कि भाई यहाँ पर जुड़ाव हो रहा है, सपा प्रवक्ता भी तारिक भाई कहना है कि जुड़ाव हो रहा है, क्या लगता है आपको जुड़ाव कहाँ तक होगा, और ऐसे अगर एक सीट मिलती रहेगी तो क्या आप लोग तारीख पर तारीख देते रहेंगे क्या? देखिए गौरव भाई, हमेशा से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने चाहा है कि परिवार एक रहे जी, हमेशा से जी, और परिवार को एक करने में हमेशा ने सरदार शिवपाल सिंह यादव साहब ने पहल करी जी। अब बात आती है एक सीट की, बात आती है अपमान की, बात आती है सम्मान की जी। तो शिवपाल सिंह यादव साहब ऐसे व्यक्ति हैं कि नेताजी ने अगर कुछ कह दिया जी, वो उनके लिए पत्थर की लकीर होती थी। क्या बात, वो उस बात को अपनी जान देना पसंद करते थे, और नेताजी की बात कभी नहीं काटते थे, चाहे कुछ भी हो जाता। ठीक है, तो अगर नेताजी की कोई सपना है जी, उसके लिए अगर शिवपाल सिंह यादव साहब को 100 बार अपमान झेलना पड़ेगा तो 100 नहीं, वो 1,000 और 1,00,000 बार अपमान झेलते नेताजी के सपने को केवल साकार करने में। नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी अगर अब कमजोर हो रही है तो कहीं ना कहीं नेताजी की विचारधारा को भी हम लोग कमजोर करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब कभी नहीं होने देंगे, चाहे व्यक्तिगत तौर पर, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तौर पर। आदरणीय नेताजी का जो विचारधारा थी, स्वर्गीय नेताजी की जो विचारधारा थी, उनको हमेशा आगे हम लोग लेके चलते रहेंगे। अब बात आती है जिम्मेदारी की। देखिए बात सही है कि अभी हमारा दल है जी, हम अपने दल को लेके आगे बढ़ रहे हैं जी। क्या जिम्मेदारी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को समाजवादी पार्टी में जो नेताजी ने दी थी जी, बखूबी वो जिम्मेदारी उन्होंने निभाया था जी। समाजवादी पार्टी की सरकार आई है कई बार जी, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की मजबूत पार्टी बनी है, और अब क्या जिम्मेदारी मिलती है क्या नहीं मिलती यह तय करने का काम तो समाजवादी पार्टी का है। मिलेगी, देखिए मैंने आपसे कहा कि नेताजी के सपने जो थे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने हमेशा उसको साकार करने का काम किया, और मैं तो ये समझता हूँ, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, व्यक्तिगत राय में कहता हूँ कि अगर जो अब आने वाले वक्त में अगर हो जाए कि सब एक हो जाएं, अगर यही नेताजी के रहते हुए हो जाती तो मुझे लगता है नेताजी को अलग से खुशी होगी। भाई अपमान होता रहेगा, एक सीट आपको मिलती रहेगी, इस पर भी तैयार रहेंगे, और जो बयानबाजी पे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए ना, स्पष्ट बात आनी चाहिए कि नहीं हम एक साथ जरूर होंगे,
ऐसा बयान क्यों नहीं आता? देखिए, मैंने आपको गौरव भाई बताया कि नेताजी के जो विचारधारा थी वो सपना था, उसके लिए शिवपाल सिंह यादव साहब 100 बार 1 लाख बार अपमानित होने काम करेंगे। और रही बात देखिए, उन्होंने जो बयान दिया, तो उनकी एक पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, तो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले जो त्याग उन्होंने दिए हैं अपनी पार्टी का भी दिया, अपने लोगों का भी दिया, तो अब क्या आगे होना है, कैसे क्या होना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर शिवपाल सिंह यादव साहब ने हमेशा से चाहे परिवार एक रहे और लोग हमारे जो हैं वो एक रहे। ठीक है, ठीक है। तारिक भाई, बहुत अच्छी पहल यहाँ पर एकलाय भाई ने कही है। वो कहते हैं कि नेताजी की मान रखने के लिए 1000 बार भी अपमान झेल लेंगे। बड़प्पन है उनका जी, तो आप सब कह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि ये उनका बड़प्पन है जी। अब गौरव भाई जी, अगर कमेटी में जो बड़ी कोर कमेटी है बीजेपी की, उसमें नितिन गडकरी और योगी साहब को नहीं रखा जाता तो वो सम्मान है। अच्छा, वो सम्मान देना हुआ। अच्छा, सम्मान देना हुआ है। सम्मान देना बीजेपी लेके क्यों चलेगा भाई आप? हाँ नहीं गौरव भाई, जब बात हमारी होगी तो हम उस पाले में भी तो जाएंगे। ये तरीका है सम्मान देने का। अच्छा, कंचन जी और पूरी बीजेपी एक संस्कार सिखाने का एक सत्संग रखा दे और हमको बुला ले। अच्छा, ताकि ये बार बार हम लोगों को ये बताती है कि संस्कार सीखे तो हमें सीखने को मिल जाए। अनट्रेंड है जी, और जब भी करे तो हम बताए, हम हाथ जोड़ कर और सीखेंगे जी। पहली बात तो ये, बिल्कुल आएंगे और सीख जाए हम लोग। अच्छा गौरव भाई, एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मजा आता है मुझे। बताइए भैया। कि 2014 और 17 से पहले जी हवा थी, पानी था, पहाड़ थे और कुछ भी नहीं था। अच्छा, और कुछ भी नहीं था, सारा निर्माण इन्हीं लोगों ने कराया है। अच्छा, केजरीवाल वहां बेकार है जी, हम 5 साल सरकार रहे, हमने कुछ नहीं किया। और जहां पर और स्टेटों की सरकार है उसने कुछ नहीं किया, नेहरू जी ने सब देश बेच डाला। अच्छा, और ज्यादातर जो समस्या है वो भी कनेक्ट हो रही है, दिक्कत तो यहाँ हो रही है। संस्कार का प्रवचन देने वाली चुपे, बीच में न बोले गौरव भाई, चुप कराइए। अभी संस्कार का प्रवचन दे रही थी, चुप रहे, अभी प्रवचन देंगी अपना संस्कार वाला जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मानसिकता इन्होंने डेवलप की है, संस्कृति बता रही थी आपको जी, क्या बता रही थी आपको, संस्कृति बता रही थी कि भारतीय संस्कृति है भाई, सुख में भले ना जाए, दुख में जरूर जाना चाहिए। बताइए गौरव भाई, सुन लीजिए मेरी बात, जाना चाहिए। 10 दिन नहीं हुआ उनके, हम क्या चाहते थे कि नहीं जाते, देहांत हुए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए क्या था जी। बीच में न बोले, संस्कार ये भी है कि हमें बस एक ही बात बता दीजिए आप जी, आप नहीं आते थे, मैं नहीं जाते तो संस्कार नहीं है, तो हम अपने संस्कार को बुलवा लीजिए जो हमारे संस्कार में है। संस्कार है, ये संस्कार इन्होंने सीखे, बीच में इंटरप्ट करें, चुप रहे जी, बोलिए, जब मैं बोलूं तब बोलें, अपनी बात कहेंगी जब मैं कंप्लीट जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ गौरव भाई, मैंने क्यों कहा कि घड़ियाली आंसू है, 10 दिन नेताजी के देहांत को नहीं हुआ था। अच्छा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अब वहां हम कमल खिलाएंगे। अच्छा, अरे राजनीति हो रही है जी, पूरे देश ने एक बड़ा नेता खो दिया जी, लोगों के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे जी, वो नेता जिसने गरीबी मजलूमों के लिए लड़ा, वो नेता जिनके आज भाजपा में ही तमाम लोग सांसद विधायक बने, हाथ पकड़ के न जाने क्या क्या बना दिया, वो नहीं रहा। 10 दिन नहीं बूते हैं, मैनपुरी में कमल खिलाओगे? अरे बिल्कुल, जनता चाहेगी खिल जाएगा मैनपुरी में भी कमल, लेकिन रुक तो जाओ। इसलिए मैंने कहा गौरव भाई गड़ियाली आंसू। अच्छा, अच्छा, कहने की वजह है। अच्छा, भाई रुक तो जाओ। हाँ, समय तो ले लो, वहाँ चुनाव होगा ही होगा गौरव भाई, मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी। हाँ, बोले, जल्दी बोले, जल्दी बोले। समय का, समय का, समय का देने से पहले अरे जल्दी बोलिए, सारी जवाब देना बहुत जरूरी है, अपने कामों को शुरू कर दिया, प्रचार में लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने काम में लग गई तो शोक मनाना चाहिए नेताजी का, बहुत अच्छा आपने लिया मतलब है। और हमने बोला कि राजनीति अलग बात है और व्यक्तिगत नीति अलग बात है, ये हमारी व्यक्तिगत शैली थी कि हम उनके उनके संस्कार में गए, ठीक है, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे ना। और अगर आपको बुरा लगता है तो ऐसी कोई घटना हो आप मत आइएगा, अपने नेताओं को रोक दीजिएगा, संस्कार कम हो, ये तो गलत बात है। ये क्या बात, आप ये क्या चाहते थे कि उनके संस्कार में ना जाया जाता, आप 1000 बार चाहिए पर जाएंगे। हम और नहीं राजनीति की बात करो, राजनीति तो करनी है बिल्कुल, अब जब व्यक्ति ही नहीं रहा तो कमल तो खिलना ही है, ये राजनीति वाली बात है, वो व्यक्ति नीति वाली बात है कि हमें उनके संस्कार में जाना था, वो नेता बहुत अच्छे थे, ये मतलब
मिला क्यों रहे हैं आप मिस्टर? इतने अच्छे प्रवक्ता होने के बाद आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। नहीं, मुझे मतलब राजनीति और सिर्फ इतना कहने का मतलब ये है, मैं आपको बहुत अच्छा मेरा कहने का मतलब ये है, व्यक्ति है जी, बीजेपी शुरू हो गए। बताइए भाई प्रभाल जी, क्या कहना चाह रहे प्रभाल जी, कुछ कहना चाह रहे बीच में जी? जो शहीद हो गए उनके ऊपर प्रधानमंत्री एक आंसू नहीं बहा पाए। अच्छा, और एक फुटबॉलर जो विदेशी फुटबॉलर उनका कुत्ता मर जाता है वो ट्वीट करते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती अपनी सुविधा के अनुसार। अच्छा ठीक है, क्या कंचन जी ये बताएंगी जो अन्नदाता जिनके थाली में भोजन देता है वो 750 की संख्या में शहीद हो गया? क्या कंचन जी आज चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगी? जवाब दे दो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वही 750 व्यक्तियों में से जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अब वही उसके जो नेता है ना उसके उसके दिल्ली में जाकर के मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, वो सुन नहीं रहा है। आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा आपको। अभी ये राजनीति करना शुरू कर दिया इन्होंने, ये लाशों की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये लाश की राजनीति करती है जी, ये राम का नाम लेती है मगर काम सारा रावण का करती है। अच्छा, मैंने इनसे कहा कि 750 किसान आपकी गलत नीतियों के कारण शहीद हुआ, 750 किसान अगर 3 काले कानून ना आते देश की सारी पार्टियां चाहे सपा हो। ठीक है, जवाब ले, जवाब ले, जवाब ले। आपकी नजर में काले कानून के और वापस हमारे किसानों का संजय सिंह अगर संसद में बोल रहे थे बाकी मैं आज भी कह रही हूं कि वो बहुत अच्छे कानून से आ रहे चाहिए किसानों के, आराम से वापस देश के प्रधानमंत्री ले रहे थे कि हम लोग से गलतियों की माफ कर दो। मगर 750 किसान जो शहीद हो गया उसके आंदोलन चला। ठीक है, ठीक है, लगातार कृषि मंत्री जी के साथ बैठे हुए लगातार बैठके हुई। अच्छा, और बैठकों में ये कहा गया कि ये कानून किसानों के हित में है। जो नेता थे ना उसके दहलीज पे अपना सर फोड़ रहे हैं, मालूम है आपको? मालूम होगा गौरव जी, अरे शहीदों का मजाक मत बनाइए जी। आप उस पार्टी से आते हैं जो शहीदों के साथ भी घोटाला करती है। किसान कोई नहीं पछता रहा है कंचन जी, इस समय किसानों के सामने जो संकट खड़ा है इस पर भी आगे बार बार बोलिए, एक बार इस पर भी बात करिए। हाली से वैसे जूझ रहा है, आपने जो कानून बनाए थे उन कानूनों को आपने ही वापस लिया। देखिए वो कानून तो किसी विपक्ष ने वापस नहीं लिया, कानून तो आपने बनाया वो कानून आपने वापस लिया, इसका मतलब प्रिंसिपल भाई बात ले लेते, अभी बात लेता हूँ। ये तो स्वयं हो गया, हो गया प्रिंसिपल भाई, हो गया नहीं थे तो माननीय प्रिंसिपल भाई, हो गया हो गया, जवाब वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। जवाब जवाब लेता हूँ, जवाब। उस दौरान जिन किसानों के साथ ये दुखद घटना हुई और किसान शहीद हुए, क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी को संवेदना व्यक्त नहीं करनी चाहिए? केवल बात इतनी सी है। अच्छा ठीक है भाई, अगर कानून ठीक थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी को वो कानून वापस नहीं लेना चाहिए था। अच्छा। और किसानों को समझाना चाहिए था कि ये कानून आपके हित में है। अच्छा। और इनके आधार पर अगर आप काम करेंगे तो आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वो कानून पहले बनाए और स्वतः वापस ले लिए। जवाब ले, जवाब ले, तो इसके लिए तो जवाब ही जिम्मेदार है, इसके लिए तो किसान जिम्मेदार नहीं। कंचन जी जवाब दीजिए, मैं चर्चा खत्म करता हूँ जी। बिल्कुल देखिए गौरव जी, बात ये है ना कि किसानों की अगर हित की बात नहीं होती, आपको मालूम होगा कि जिस टाइम पर अभी देश में विदेश में देश तो हमारा कोरोना से जूझा हुआ है, विदेश हमारे युद्धों से जूझा हुआ है, इसके बाद भी अभी किसानों की अगर फिक्र नहीं होती ना तो खाद की आपूर्ति के लिए आदरणीय मोदी जी ने पहले से ही व्यवस्था कर ली कि किसानों को महंगाई का सामना ना करना पड़े। तो इसके बाद समझ में आती है कि किसानों की कितनी फिक्र है उनको। दूसरी बात, जो किसान बिल बनाए थे वो उनके फायदे के लिए थे, और जो चीज उनको समझ ना आए, जो हमारी जनता को समझ ना आए, उसको 45 किलो आपकी पार्टी ने किया। इसकी तो अच्छी बात क्या भाव है, इसके आदरणीय मोदी जी का क्या भाव है? अगर किसान पैदा करता उसको लागत क्या आती है? क्या उसकी लागत का पैसा भारतीय जनता पार्टी ने पाई? क्या और क्या कर सकते हैं? 2021 तक आप दो गुनी करने वाले होनी चाहिए, किसान की आय कर पाए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अपने अडानी अंबानी को 11,000 करोड़ रुपए
समय हो गया तारिक भाई क्या हो गया ठीक है बिल्कुल भाई ठीक है हो गया सरकार की ये जिम्मेदारी ठीक है हो गया अभी बांध लेता हूँ तारिक भाई पूरी चर्चा खत्म करता हूँ गौरव भाई दो जी सेकंड। जी बड़ा अच्छा मुद्दा आया किसान गौरव भाई बीजेपी ने कभी माना ही नहीं जी कि वो किसान वहाँ पर शहीद हुए थे। अच्छा ठीक है अगर माना होता गौरव भाई तो प्रधानमंत्री उस पर संवेदना जरूर व्यक्त करते इन्होंने और सरकार ने ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं। ठीक है आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चुनाव कई जगह होने हैं और चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, गुजरात में विधानसभा चुनाव, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और दिल्ली में एमसीडी चुनाव। अब आने वाले समय में यमुना साफ होती है कि नहीं होती है, एक्यूआई कम होता है कि नहीं होता है कि दिल्ली में लोग ऐसी ही जहरीली हवा में सांस लेते रहेंगे। पराली हर बार निकलती है, मैनेजमेंट हर बार नहीं होता और हर बार खामियाजा आम जनता भुगतती है। जनता को भी कुछ फैसला लेना पड़ेगा और विचार करना होगा कि हम ऐसी सरकारें क्यों बनाते हैं जो बाद में हमारे लिए ही जहरीली हवाओं को छोड़ती रहती हैं, क्योंकि अगर प्रबंधन नहीं तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदार सरकारें ही कहलाएंगी। अब चाहे गुजरात का मोरबी पुल हादसा हो और चाहे दिल्ली की जहरीली हवा, आने वाले समय में निकाय चुनाव में तमाम तरह के एजेंडे और तमाम तरह की बातें की जाएंगी, पर अगर हम बेहतर प्रबंधन करेंगे, बेहतर काम करेंगे तो ना डेंगू फैलेगा और ना फैलेगी अव्यवस्थाएं। साथ काम करिए, विकास की बात करिए और करिए काम आम जनता का और करिए संघर्ष वो भी धरातल पर, ना कि ट्वीट की राजनीति। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे यानी गौरव श्रीवास्तव जयंती, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।